हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। सो रिसेंटली फिनवेसिया ने अपने लॉगिन प्रोसेस में TOTP और OTP को इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर आप अभी जाओगे सुन्नी का जो लॉगिन पेज है, यू कैन सी हियर sunni.finvesia.com, यहाँ पे देखो तो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, और पहले यहाँ पे आप पैन नंबर या DOB एंटर कर देते। अब देखो तो यहाँ पे OTP और TOTP आ गया है। ओके, तो लॉगिन तो बहुत ईजी है, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करोगे या फिर यहाँ पे OTP जनरेट करके एंटर कर सकते हो। पर जो हम API यूज करते थे, यू कैन सी हियर API, तो API में क्या था कि पहले तो हमारा जो DOB था और पैन नंबर था वो फिक्स था, बट अभी क्या है, OTP आएगी, OTP तो हमेशा चेंज होती रहेगी। ओके, तो हमें अपने जो लॉगिन का फ्लो है, जो एल्गोरिथम यूज करते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसको मैं अभी आज एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप उसको इजीली ऑटोमेट कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। ओके, तो पहले का जो कोड आप देखो तो क्या है, API.login यूजर आईडी पासवर्ड 2FA। यहाँ पे देखो तो 2FA में पहले पासवर्ड DOB और पैन फैक्टर 2। अब यहाँ पे देखो तो क्या है, फैक्टर 2 क्या लिखा है इन्होंने, सेकेंड फैक्टर। ओके, और ये सेकेंड फैक्टर बेसिकली आपका TOTP या फिर OTP होगा। ओके, तो ये चेंजेस है। तो मेन पॉइंट बस यही आपका है कि आपको यहाँ पे सेकेंड फैक्टर में TOTP को ऑटोमेटेड जनरेट कर रहा है। तो कैसे करना उसमें अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और फैक्टर 2 का डेफिनेशन भी आप यहाँ देख सकते हो, OTP एंड TOTP एज इंटर्ड बाय द यूजर। ओके, तो ये थोड़ा सा चेंज है जिसको हम देखते कैसे हम इसे अपने कोड में ऑटोमेट कर सकते हैं। फाइन, सो पहले वाला कोड आप देखो तो पहले हम कोड ऐसे यूज करते थे, यूजर नेम पासवर्ड अपना ये था, वेंडर कोड ऐप की वेक्टर 2 जो कि हमारा पैन नंबर होता था, फिर हम इसे यहाँ पास करते थे। ओके, ये कोड एग्जैक्टली सेम होगा, बस हमें यहाँ पे फैक्टर 2 को चेंज करना है। ओके, पैन नंबर जब हमें यहाँ पे OTP एंटर करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी जिसका नाम है PyOTP। तो आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो पेज है PyOTP का, आप इसे यहाँ से जस्ट कॉपी करो, वैसे आप यहाँ पे पेस्ट कर लो, पेस्ट एंड इंस्टॉल इट। तो पहला स्टेप हमें PyOTP इंस्टॉल करना, जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ओके, तो ये हो गया इंस्टॉल्ड। ओके, अब इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको लॉगिन करना है, फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना है अपने सुन के वेब पोर्टल पे। ओके, और यहाँ मेरे को चाहिए OTP, तो OTP मैं सिंपल जनरेट कर लेता हूँ, अपने मोबाइल पे आ जाएगा मेरा। सो यहाँ मुझे अपना पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा, सो आई एम जस्ट एंटरिंग माई पैन नंबर 6 एंड सेंड OTP एंड ओके। सो मैं वेट कर रहा हूँ, OTP मेरे मोबाइल पे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। OTP मुझे रिसीव हो चुका है, मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये अपना लॉगिन हो गया, इसके बाद आपको क्लिक करना है इस प्रोफाइल पे, जस्ट क्लिक हियर, और यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी, और फिर यहाँ पे देखो है TOTP, जस्ट क्लिक हियर, यहाँ पे आपको मिलता है QR कोड। ये जो प्रोसेस है ना कैसे लॉगिन करना, इसके लिए ऑलरेडी फिनवेसिया ने वीडियो क्रिएट किया हुआ, यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे देखो दो वीडियो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे लॉगिन करना है, कैसे OTP इनेबल होगा, ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा फिनवेसिया के यूट्यूब चैनल पे। मैं ये बता रहा हूँ कैसे हमें अपने कोड को ऑटोमेट करना है। ये जो QR कोड है इसे करस्पॉन्डिंग एक टोकन भी होता है, ये टोकन यहाँ पे है। ओके, आई कैन नॉट शो यू, बट यहाँ पे आप क्या करो, इसे कॉपी कर लो। ओके, जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, ये कोड मैंने कॉपी कर लिया, अभी इसे आप क्लोज कर दो। सो अभी जो मैंने TOTP टोकन कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा है टोकन। फाइन, अब इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ, जिस नेम इट TOTP टोकन। ओके, अब हम टोकन और PyOTP के थ्रू इजीली TOTP जनरेट कर सकते हैं। तो TOTP जनरेट करने के लिए सिंपल अपने को एक लाइन कॉल करनी है, वो है PyOTP.TOTP.Token.Now। तो पहले आपको इंपोर्ट करना होगा PyOTP, जस्ट हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो फिर पहले आप उसे इंपोर्ट करोगे, और फिर यहाँ पे देखो तो PyOTP.TOTP और टोकन जो हमने जस्ट कॉपी किया इसे मैंने पास कर दिया .now। जैसे ही आप इसे रन करते हो आपको मिला टोकन, और ये टोकन आपको पास करना है यहाँ पे लॉगिन में। ओके, तो मैं आपको भी डेमो देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया है, अब मुझे TOTP, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल इसे कॉल करूँगा, और यहाँ पे आ गया 3277 जो भी है, और जस्ट पास दिस वन, और देखो लॉगिन, सो लॉगिन हो गया, दैट्स मीन अपना TOTP प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी मैंने देखा कैसे हम कोड के थ्रू भी TOTP जनरेट कर सकते हैं और कैसे वेब लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें सेम प्रोसेस को API में भी इंप्लीमेंट करना है। तो API का कोड आपको पता है, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन कर रखा है, ये कोड है जैसे आप API में लॉगिन करते हो। यहाँ पे जो चेंजेस है वो केवल फैक्टर 2 है, और फैक्टर 2 में आपको पास करना है ये अपना ये लाइन। ओके, PyOTP TOTP.Token.Now। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ओके, और आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। फाइन, यहाँ पे क्या यूजर नेम पासवर्ड वेंडर कोड और ये ऐप की आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी है अपनी, जो भी आपके केस में है, और यहाँ पे 2FA की जो आपको कॉस करना है PyOTP.TOTP और टोकन मैंने बताया है, आपको कहाँ से लेके आना, टोकन आपको कॉपी करना है QR कोड को। ओके, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आया था। ओके, तो सारे अवेलेबल एक जगह है, यूजर नेम पासवर्ड ऐप की टोकन। ओके, यहाँ पे हैं, और इसके बाद आपको इसे यहाँ पे पास करना है 2FA में, सिंपल। ओके, अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा अपना लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन होगा तो मेरे को यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। ओके, जस्ट रन दिस वन एंड यू कैन सी यहाँ पे आ गया बैलेंस, इसका मतलब कि लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है।
तो मैं फिर से पूरे प्रोसेस को रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है पाई ओटीपी, ओके, पिप इंस्टॉल पाई ओटीपी। ऐसे आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपको जाना अपने सुन्नी के वे पोर्टल पे, और यहाँ पे आपको जाना है प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाना आपको सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर टीओटीपी, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा क्यूआर कोड। आपको ये जो टोकन है ना इसको आपको कॉपी करा, यू कैन क्लिक हियर कॉपी, और फिर ये कॉपी आपको लेके आना है यहाँ पे टोकन इक्वल टू यहाँ पे, ओके, टोकन की इक्वल टू आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो, और बाकी पैरामीटर सेम है, यूजर नेम पासवर्ड वेंडर जो कि प्रीवियसली आपने एक्सपोर्ट कर रखा है। आफ्टर दैट आपको 2FA में पाई ओटीपी डॉट टीओटीपी टोकन डॉट नाउ ये पास करना है। तो बेसिकली तीन स्टेप थे, पाई ओटीपी इंस्टॉल करना, टोकन कॉपी करना, और फिर ये लाइन ऐड करना। ये तीनों आप जब ऐड कर दोगे तो आपका कोड एक्जैक्टली पहले की तरह ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और ये कंप्लीट कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, यू कैन इजीली कॉपी दैट कोड एंड प्रैक्टिस फ्रॉम योर्स। और एक्जैक्टली सेम लॉजिक को हम एंजल वन में यूज कर सकते हैं, वहाँ भी पाई ओटीपी को आप यूज करके टीओटीपी जनरेट कर सकते हो, ओके। उस पर मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा 2-3 दिन के अंदर ही, बट ये फिर मैं ऐसे पे था कैसे आप इजीली टीओटीपी आने के बाद भी लॉग इन प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, ओके, एंड यू विल गेट दिस कोड फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।